अंतिम वसीयत। एक दिन श्री महाराज जी के अंतर्ध्यान होने के पश्चात दीवान योगराज को एक पत्र आया कि एक लेख टेरी में लिखा गया था, उसकी नकल भेजता हूँ। श्री महाराज जी ने दिनांक 3 मई 1919 को भक्त अमीर चंद को आज्ञा दी कि इस विषय का पत्र लिखो। प्रिय खान चंद जी, सप्रेम आशीर्वाद। आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दें कि हमारा यह इरशाद है कि जानशीन दो तरह के होते हैं, एक जिस्मानी दूसरा रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 साल पहले से ही हो चुके हैं, यह सब पर जाहिर है। रूहानी जानशीन बाबा स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा उसको दोनों जहान में बरकत मिलेगी, यह हमारी दुआ है। भाई योगानंद जी और भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि हमारी इच्छा सब पर जाहिर कर दें कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। हमारा यह भी आशीर्वाद है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी अधिक शिष्य होंगे। जो कोई उनसे सत्संग करेगा एवं उपदेश लेगा उसे भी बरकत मिलेगी। बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 शिष्यों में 500 तो पुष्ट बीज होंगे, उनमें कितने फल फूल लगेंगे उसका कोई शुमार नहीं। सप्तऋषि अद्वैत परमहंस संत मत के प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस दयाल श्री श्री 108 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के उपदेशों द्वारा विश्व के असंख्य नर नारियों को ज्ञान लाभ हुआ और हो रहा है। वे त्याग, तपस्या, सरलता और परोपकारिता के मूर्त रूप थे। महाराज ऐसे उपराम प्रकृति के फक्कड़ संत थे जिनको कोई मठ मंदिर बनाना, चेला बनाना या अपनी मशहूरी का कोई भी काम करना कतई पसंद नहीं था। वे अपना चित्र तक खिंचवाना पसंद नहीं करते थे। यह कैसा सुखद आश्चर्य है कि जिन महापुरुष ने फकीरी की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचकर भी अपने को एकदम गुमनाम रखा, उन्हीं को आज पूजने और मानने वाले विश्व भर में लाखों की संख्या में हैं। देश विदेश में धर्म प्रचार में रत प्रायः अधिकांश संत परंपराओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद प्राप्त है। यूं तो आपने शिष्य बनाना कभी पसंद नहीं किया, फिर भी जिन कतिपय विशिष्ट पात्रों को आपसे नाम दीक्षा प्राप्त हुई उनमें निम्नलिखित 7 महापुरुषों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये महापुरुष भी अपने गुरु के अनुरूप ही आध्यात्मिकता में अत्यंत ऊंचे ऋषि तुल्य थे। ऋषि तुल्य त्याग तप में पूर्ण श्री दयाल प्रभु के 7 महात्मा शिष्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जिस्मानी जानशीन, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज रूहानी जानशीन, बाई योगानंद जी महाराज, बाई विवेकानंद जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बाई प्रेमानंद जी महाराज, भक्त अमीर चंद जी उर्फ चेतनानंद जी। स्वनाम धन्य परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज रूहानी जानशीन, आप श्री दयाल जी महाराज के शिष्यों में
अन्यतम हुए जिन्हें अपने जीवन के अंतिम काल में गुरुदेव ने लिखित रूप से अपना रूहानी जानशीन घोषित किया। सदगुरु की विपुल आध्यात्मिक संपदा के सर्वश्रेष्ठ पात्र बन उस अद्वैत ज्ञान धारा के सुयोग्य भाववाहक के रूप में आपने अपने जीवन काल में गुरु नाम का व्यापक प्रचार प्रसार किया। महाराज श्री की आज्ञा से आपने आगरा के निकट नंगला पदी स्थान पर वर्षों बैठकर घनघोर तपस्या की। गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने आपकी अत्युच्च दशा से प्रसन्न होकर आपको नानक, कबीर और रामकृष्ण के समतुल्य आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण सदगुरु पद का अधिकारी बताया। आपके 10,000 से अधिक शिष्य हुए। मेरठ जिला अंतर्गत श्री नंगली साहिब में आपकी समाधि का मंदिर आज सहस्रों लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा पूजा का आलंबन है। परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य का शुभ अवतरण तत्कालीन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के टेरी शुभ स्थान जिला कोहाट पाकिस्तान में हुआ था। वह पवित्र दिन माघ सुदी वसंत पंचमी विक्रमी तदनुसार 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी का था, जब देश भर में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का पूजन पर्व मन रहा था। देश में उसी समय श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद स्वामी राम तीर्थ योगी अरविंद परमहंस योगानंद महर्षि रमन साईं बाबा तथा अन्य अन्य बड़े बड़े संत महापुरुष भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का वह क्षेत्र अज्ञान अंधकार से आच्छन्न था, जहां पठान नगरों और गांवों में जाकर विशेषकर हिंदू परिवारों को तबाह किया करते थे। महाराज के प्राकट्य से सबका वैर भाव समाप्त प्राय हो गया। कुछ ही महीनों बाद लोगों को यह विदित हो गया था कि लाला प्रभु दयाल जी और माता राधा रानी की गर्भ से उत्पन्न हुए वह बालक कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति संपन्न एक महापुरुष है। महाराज के बचपन में ही अनेक चमत्कार घटित होने लगे थे। 3 महीने की अवस्था में ही जब आपकी माताजी मंदिर में देव पूजन के लिए गई थी, बाहर चबूतरे से ही आप एकाएक अदृश्य हो गए थे। तब 3 दिनों के बाद जंगल में पेड़ के नीचे हंसते पाए गए, जहां एक फणियारा नाग आपके चारों ओर घेरा डाले हुए था। कुछ बड़े होने पर आप बात बात में लोगों को अनहोनी बात बता देते, किसी के मन की बात कह देते अथवा किसी का कष्ट देख द्रवित होकर आशीर्वाद देते तो वह सत्य हो जाता। एक बार लड़कों के साथ खेलते समय आपको भूख लगी, तभी एक पठान से आपने दूध पीने की इच्छा जाहिर की। वह पठान गायें चरा रहा था, किंतु उसकी गायों में कोई दुधारू नहीं थी। फिर एक बिन ब्याई बछिया से ही दूध के लिए विनती की
और उसके थन में दूध उतर आया। पठान के कटोरे में ही आपने उससे दूध दुहकर पी लिया। आप सबकी आंखें बचाकर टेरी के निकट की झाड़ियों में छिपकर समाधि लगाकर घंटों घंटों तक ध्यान किया करते थे। तब आपको देह की भी सुधि नहीं रह जाती थी। आपकी अलौकिक शक्ति और साधु सुलभ स्वभाव को देखकर लोग आपको साधु जी या संत जी कहकर पुकारने लगे थे। हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी आपको एक सिद्ध पीर फकीर जैसी श्रद्धा देते थे। एक संभ्रांत सज्जन दीवान भगवान दास जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी आपके जन्म स्थान टेरी में सन 1902 ईस्वी में जा पहुंचे। वहां उनका सत्संग प्रवचन सुनने गांव भर के लोग आने लगे। दो तीन दिनों की प्रतीक्षा के बाद जब आप अपनी माता जी के साथ संत दर्शन को गए, तब आपको देखते ही गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी बोल उठे, आ गए भैया। आपने भी सहज भाव में हाँ महाराज जी आ गया कहकर उत्तर दिया। गुरुदेव बोल उठे, अच्छा किया जो आ गया, वरना और देर होती तो घर से निकाल लाना पड़ता। तुम्हारे लिए ही तो बिहार से यहाँ आना पड़ा। दोनों दिव्य विभूतियों की परस्पर बातें सुनकर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मानो वे पहले से ही एक दूसरे के परिचित रहे हों। गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने सुरत शब्द योग की दीक्षा देकर आपको शिष्य रूप में स्वीकार किया। सत्पात्र देखकर उन्होंने श्री बेली राम जी से आपको संन्यास नाम श्री स्वरूपानंद जी प्रदान किया।